Good morning to all of you. I hope that you are fine and safe. In my previous video, I have taught you the digestion of food in mouth for class 7. Today, I am going to explain the next topic, that is on page number 24, that is digestion in stomach. Okay, digestion in stomach. Yani ki, हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो है जो भोजन होता है वो जो माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू होता है, ठीक है। और भोजन से डाइजेस्ट होने के बाद, माउथ में डाइजेस्ट होने के बाद जो है ओजोफैगस के द्वारा जो यानी कि फूड पाइप के द्वारा जो भोजन हमारे कहाँ पे जाता है, पेट में जाता है, यानी कि स्टमक में जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टमक में भोजन जो है कैसे डाइजेस्ट होता है, यहाँ पर इस टॉपिक में हम जानेंगे। फ्रॉम ओजोफैगस the food reaches the stomach and passes to the small intestine, यानी कि जो food pipe होता है उससे जो है भोजन होते हुए हमारे stomach पेट में जाता है and passes to the small intestine, और हमारे पेट से होकर जो है ये फिर कहाँ पर जाता है, छोटी आँत में जाती है। stomach की जो J-shaped thick walled muscular bag, जो हमारा पेट होता है, आमाशय stomach जो पेट होता है वो जो है जे, इंग्लिश का जो जे होता है उसी की उसी के शेप के जैसा होता है, और उसकी जो दीवारें होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, और वो जो है मांसपेशियों से बनी हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जे, इंग्लिश का जे जैसे होता है, इसी शेप का जो है वो स्टमक होता है। लोकेटेड बिलो द डायफ्राम, और ये हमारे डायफ्राम के या जो लंग्स होता है डायफ्राम उसके नीचे जो है सिचुएट होता है, लोकेटेड होता है, स्थित होता है। द लाइनिंग ऑफ स्टमक हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि जो स्टमक होता है, पेट होता है हमारा, उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि भोजन को पचाने वाले जो है ग्लैंड्स, ग्रंथियां होती हैं। विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो कि जो है डाइजेस्टिव जूस को जो है सेक्रेट उत्सर्जित करती रहती है। द डाइजेस्टिव जूस जूसेज इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं इसमें क्या क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फार्मूला जो है HCl होता है, ठीक है। ये भी हमारे पेट में जो क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं इसके द्वारा जो सेक्रेट होता है। मूकस जिसको हम बलगम कहते हैं ये भी सेक्रेट होता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और भोजन को पचाने वाले जो है कुछ एंजाइम जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं। फूड स्टेज इन स्टमक फॉर 2 to 4 hours एंड इज हाफ डाइजेस्टेड लाइक अ थिन पेस्ट कॉल्ड चाइनीज, यानी कि जो भोजन होता है वो हमारे पेट में लगभग 2 से 4 घंटे तक रहता है, एंड इज हाफ डाइजेस्टेड लाइक अ थिन पेस्ट, और जो है जो हमारा भोजन होता है वो हाफ पार्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है 2 to 4 hours में, लाइक अ थिन पेस्ट, एक जो है पतले गाढ़े पेस्ट के रूप में वो बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइन कहते हैं। द फूड इज इन द स्टमक इज चर्न एंड एक्टेड अपॉन बाय इट्स डाइजेस्टिव जूस, यानी कि जो भोजन होता है हमारे पेट में चर्न होता है, चर्न मतलब उसको पीसा जाता है, एंड एक्टेड अपॉन बाय इट्स डाइजेस्टिव जूस, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनकी क्रिया के द्वारा जो है हमारे पेट में भोजन जो है क्या किया जाता है, चर्न किया जाता है, पीसा जाता है, या उनको फाइन पेस्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी कि हमारे पेट के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या काम जो है हमारा पेट करता है। हाईली मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक सो रिदमिक कंट्रक्शन, जो हमारा पेट की जो जो पेट की हमारे जो दीवार होती हैं, मस्कुलर वॉल जिसको हम मांसपेशी पृष्ठ कह सकते हैं, ये बहुत ही मोटी होती हैं। सो जो रिदमिक कंट्रक्शन, इनमें जो है एक निश्चित समय अंतराल पे क्या होता है, कंट्रक्शन होता है, यानी कि सिकुड़ाव होता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट भी क्या होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है, एक बार सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। तो ये एक निश्चित समय अंतराल पे जो है सिकुड़ाव हमारे पेट में होता रहता है। दिस चर्न्स फूड इनटू फाइन पेस्ट, और जब हमारा पेट भी जो है सिकुड़ता है और फैलता है तो उसकी वजह से जो भोजन हमारे पेट में होता है वो जो है क्या होता है,
फाइन पेस्ट के रूप में जो है कन्वर्ट हो जाता है एंड मिक्सेस द डाइजेस्टिव जूस विद इट। और पेट में ही, हमारे पेट में ही जो डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मूकस जो है जो सेक्रेट होते रहते हैं, ये सभी जो है उसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सेकेंड वर्क क्या है हमारे स्टमक का, मूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। जो बलगम होता है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक, हमारे वो पेट की क्या करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड, यानी कि जो एसिड्स और एंजाइम होते हैं उनके एक्शन, उनकी क्रिया का जो है, उनकी क्रिया से होने वाले इफेक्ट का जो है ये मूकस क्या करता है, उनसे हमारे पेट की रक्षा करता है। क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्किन पे गिर जाए तो इट हैज़ द कोरोशन नेचर, यानी कि वो हमारे स्किन को क्या कर देगा, जला देगा। एंजाइम्स भी जो है काफ़ी कुछ डेंजरस होते हैं, जो अगर हमारे शरीर पे गिर जाए तो कोरोशन जो है वो हमारे स्किन को जो है जला सकती है। तो ये जो बलगम होता है, मूकस होता है जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पेट की जो है जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मूकस एंजाइम्स जो है रिएक्शन उनके बीच में जो होता है उससे जो है हमारे पेट के जो पृष्ठ होते हैं यानी कि जो वाल्स होते हैं, मस्कुलर वाल्स होते हैं, उनकी वो रक्षा करता है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया। जो हमारे स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सेक्रेट होता रहता है, वो जो भोजन में, हमारे भोजन में मौजूद जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको जो है वो मार देता है। इट मेक्स फूड एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। और ये पूरे भोजन को, हमारे पेट में जो मौजूद भोजन होता है उस पूरे भोजन को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम और एसिड के द्वारा जो है हमारा भोजन भी क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट द एंजाइम्स बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ द फूड। अब जो एंजाइम्स होता है बिगिंस द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ द फूड, जो भोजन में मौजूद जो है प्रोटीन होते हैं उनको, उनका जो है केमिकल डाइजेशन करना शुरू करता है कौन, एंजाइम, ठीक है। और ये फिर धीरे धीरे जो है हमारे पेट में जो है कुछ भोजन जो है क्या हो जाता है, पच जाता है। और फिर ये वो जो अपचा हुआ भोजन होता है वो फिर से कहाँ पर जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। सो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन जाता है तो फिर वहाँ पे कैसे डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ क्वाइल स्ट्रक्चर, जो हमारी छोटी आंत होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्वाइल की तरह होता है, ठीक है। जैसे क्वाइल देखा इस तरह से, क्वाइल की तरह जो है उसका स्ट्रक्चर होता है। अप्रोक्सीमेटली 6 meters इन लेंथ एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग जो है 6 meters जो है लंबा होता है एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का जो है सबसे बड़ा जो है पार्ट होता है। द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि मैक्सिमम भोजन का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर के द्वारा जो है बाइल जूस और जो है पैनक्रियाज के द्वारा जो पैनक्रियाटिक जूस जो है सेक्रेट किया जाता है। इट ऑल्सो सेक्रेट सेवरल डाइजेस्टिव जूस फॉर इंटेस्टिनल ग्लैंड। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है जो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं उनके द्वारा भी बहुत सारे जो है डाइजेस्टिव जूस जो है उत्सर्जित किए जाते हैं, विच हेल्प टू डाइजेस्ट द सेमी डाइजेस्टिव फूड कम्प्लीटली। यानी कि जो सेमी डाइजेस्टिव फूड होते हैं या जो अभी जो पेट में जो भोजन अभी पचे नहीं होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और वो भोजन जो है यहाँ पे कम्प्लीटली जो है इन जूसेस के द्वारा जो है पच जाते हैं। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो है हमारी छोटी आंत के क्या क्या कार्य हैं। प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन टू एमिनो एसिड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो प्रोटीन्स होता है वो एमिनो एसिड में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन को जो है
हमारा शरीर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उसको, जो है वहाँ पे वो क्या करता है जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर एंड एस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी जो है क्या होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये सभी क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये जो है हमारे शरीर के द्वारा जो है डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए जो है इनको पहले जो है सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पे ये ब्रेक होते हैं और फिर जो हमारा शरीर उनको क्या करता है डाइजेस्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होता है, सिंपल शुगर, शुगर में जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। फैट्स जो चर्बी होती है आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट होता है वो भी जो है फैटी एसिड्स और यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या है, दिस आर द सिंपल कंपाउंड्स, इसमें जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट क्या है, दैट इज द कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो फैट जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल सिंपल कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटेस्टिनल वॉल्स एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। और ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वॉल होते हैं, दीवारें होती हैं, पृष्ठ होते हैं, वो जो है इनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।